अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एसी रियल एस्टेट चैनल में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद नूरुद्दीन फिर एक न्यू वीडियो के साथ, फिर एक नए लोकेशन के साथ। आज की जो वीडियो है मिश्रीगंज फुलबाग चुन्ने की भट्टी रोड से भी वीडियो बताऊंगा मैं, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर एक 100 स्क्वायर फीट का मकान है, वॉल स्लैब का सारी डिटेल दूंगा अंदर के बाद। पहले रोड से वीडियो स्टार्ट करेंगे। और ये मकान का जो गेट है, बाजू में आपको देख सकते हैं स्कूल है और मस्जिद करीब में और हॉस्पिटल भी करीब में। चलिए ये रोड से वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अंदर जाके सारी डिटेल में आपको दूंगा। डायरेक्ट स्क्रीन पे एजेंट ओनर का नंबर रहेगा, बीच में कोई भी एजेंट वगैरह नहीं रहेंगे। लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, अल यासिन होटल चुन्ने की भट्टी मिश्रीगंज, अल यासिन होटल लैंडमार्क है, यानी कि मिश्रीगंज में फुलबाग बोल के कॉलोनी है वहाँ पर है। ये देख सकते हैं मेरे बिल्कुल अपोजिट में अल यासिन होटल, यहाँ से अंदर जाना है। चलो स्पीड चलो। अल यासिन होटल से बिल्कुल करीब में ये आपका मकान है, 100 स्क्वायर फीट का, G+1 है, वॉल स्लैब है, ओल्ड मकान है। प्राइस भी स्क्रीन पे दूंगा, डायरेक्ट ओनर का नंबर भी स्क्रीन पे दूंगा। पहले आप सराउंडिंग एरिया देख लीजिए, स्कूल, मदरसा, मस्जिद और हर वो चीज़ आपको यहाँ पर खरीद में है। किराना स्टोर है, जो भी आप देख सकते हैं मेरा राइट एंड लेफ्ट मेडिकल है। यहाँ से अपने उसे बाबर किराना स्टोर से राइट लेना। चलो अंदर चलो स्पीड। यहाँ से आप देख सकते हैं सराउंडिंग में G+1 G+2 मकानात है। बाबर किराना स्टोर से राइट लिएगा, फिर यहाँ से लेफ्ट लेना है और लेफ्ट लेकर सीधा स्ट्रेट जाती है डेड इन में, ये मकान है अपना लेफ्ट साइड में। अल यासिन होटल से बिल्कुल करीब में है, सराउंडिंग में अच्छी आबादी है और हर वो चीज़ की आपको फैसिलिटीज़ है। रजिस्टर्ड मकान है, क्लियर टाइटल है, डायरेक्ट ओनर का नंबर है, बीच में कोई भी एजेंट वगैरह नहीं है। लैंडमार्क काफ़ी अच्छा है, मिश्रीगंज चुन्ने की भट्टी फुलबाग। वैसे आप ओनर को कांटेक्ट करने पर आपको लोकेशन भी सेंड कर दिया जाएगा, आप आके ओनर को कांटेक्ट करके साइट विजिट भी कर सकते हैं। बिल्कुल करीब में आप देख सकते हैं अबरार स्कूल और मस्जिद साहबा बिल्कुल करीब में। ये आ गए हम अपने मकान के बिल्कुल करीब में, लेफ्ट साइड में ये मकान है, देख सकते हैं ये स्कूल के बाजू, ये मस्जिद के बाजू में यहाँ पर आपका मकान है 100 स्क्वायर फीट का। ये इसका देखिए मेन गेट है, मेन गेट से जैसा हम इंटर हो रहे हैं, इसमें फेस छोटा है, यानी कि ऐसा गली टाइप है। अब जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, जो भी ले सक रही है, उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, यानी कि बजट के हिसाब से जो भी इसका प्राइस रहेगा स्क्रीन पर रहेगा। डायरेक्ट ओनर का नंबर रहेगा, ओनर के नंबर पे आप कांटेक्ट कर ले सकते हैं। जैसा मेन इंटर हो रहे गेट से, यहाँ पे आके बाद आपको कुछ इस तरीके से हॉल मिलने वाला है। वॉल स्लैब मकान है ये, प्राइस स्क्रीन पर मिल जाएगा। ऊपर कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे स्लैब मिलना है और यहाँ पर दो रूम आपको मिलने वाले हैं, ये एक रूम है और वो एक रूम है। सबसे पहले हम ये रूम देख लेते हैं। ये रूम में आपको वेंटिलेशन भी है और स्टोरेज स्पेस भी है। और यहाँ से बिल्कुल फिर ये रूम से हम ज़्यादा बाहर निकल रहे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से हॉल है। बाहर की तरफ एक कॉमन वॉशरूम है, अंदर भी आपको वॉशरूम है प्लस वॉशिंग एरिया है और यहाँ पर आपको किचन है। नीचे की तरफ आपको दो रूम हॉल है, ये एक रूम है, इसमें लाइट नहीं है इसलिए ज़रा थोड़ा आपको ब्राइटनेस कम दिख रहा होगा। तो जो कोई भी ये मकान लेना चाह रहे डायरेक्ट ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा आपका हॉल और यहाँ पर आपको किचन मिलने वाला है, देख सकते हैं आप, ये रहा किचन एरिया। घर के ऊपर नल कनेक्शन अवेलेबल है, रजिस्टर्ड मकान है, G+1 है, ओल्ड मकान है। या एरिया के हिसाब से क्या रेट चल रहा आप आके मालूम करके ये मकान ले सकते हैं। स्क्रीन पे प्राइस भी दे दूंगा मैं। और यहाँ पर आपको देख सकते वॉशिंग एरिया है और अंदर वॉशरूम है, ये आपका इतना वॉशिंग एरिया है और ये एक वॉशरूम है यहाँ पर। अब जाते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर जाके ऊपर का जायजा लेंगे, ऊपर किस तरीके से मकान बना हुआ है। 100 स्क्वायर फीट का रजिस्टर्ड मकान है, G+1 है, यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम है और यहाँ पर कुछ वॉशिंग एरिया जाने के ओपन प्लेस है। और इसका मेन एंट्रेंस जो है आपको एंट्रेंस छोटा है, बट प्राइस ये एरिया में क्या चल रहा है वो हिसाब से इसका इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएंगी। स्क्रीन पर जो प्राइस रहेगा अपने को ये एरिया के हिसाब में इंशाल्लाह वो प्राइस हम स्क्रीन पे डालने की कोशिश करेंगे ओनर से बात करके। ऊपर आए के बाद ये आपको ओपन प्लेस है और दो रूम है, इधर वॉल स्लैब मकान है, ये एक रूम है, यहाँ पर वेंटिलेशन है, यहाँ पर स्टोरेज स्पेस है और बिल्कुल मेरे राइट साइड पे सेकेंड रूम है, देख सकते हैं आप, ये आपका सेकेंड बेडरूम, ये सेकेंड बेडरूम और ये ओपन प्लेस, यहाँ पर किचन एरिया, ये रहा आपका किचन एरिया
और यहां से बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं वॉशरूम, ऊपर वॉशरूम, नीचे एक दो वॉशरूम है, एक कॉमन एक, और यहां पर एक स्टोरेज रूम। वॉल स्लैब का मकान है ये। अब बात करते हैं ये मकान अगर आप लेके रेंट पे दे तो आपको यहां पर कितना रेंट आने वाला है। अगर ये मकान के रेंट की बात करेंगे 16,000 यहां पर आपको रेंट मिलने वाला है, और प्राइस की बात करेंगे 38 लाख इसका आस्किंग प्राइस है, यानी कि इसका फेस छोटा रहने की वजह से ओनर साहब इसका आस्किंग रखे हैं 38 लाख। अगर आप यहां पर प्लॉट, वैसे तो यहां पर ओपन प्लॉट नहीं मिलता, अगर ओपन प्लॉट मिल रहा है तो आपको 70-80 यानी कि 70,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है यहाँ पर रेट 70-60। तो यहां पर फेस छोटा रहने की वजह से 38 लाख में 100 स्क्वायर फीट का मकान, ओल्ड मकान G+1 ओनर की डिमांड है, आस्किंग प्राइस है, इसमें से स्लाइटली निगोशिएबल है। डायरेक्ट स्क्रीन पर ओनर का नंबर है, नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, साइट विजिट करिए, मकान परचेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एड के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।